नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भांडे ब्लॉक के ग्राम पंचायत सालोन बी के ग्रामीणों ने विद्युत समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। भांडेर SDM नीरज शर्मा को ग्रामीणों ने घेरा। भांडेर SDM नीरज शर्मा अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। पल पल की अपडेट देते हुए दतिया जिला संवाददाता आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। समस्या से विगत 2 माह से बहुत ज्यादा परेशान। जब जब परेशानी आती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बूढ़े हो, वो महिलाएं हो, लाइट से ही सारी चीज़ें चलती हैं। और लाइट जब नहीं रहेगी तो समूचा हमारा जो सालोन भी कस्बा है वो पूरा लाइट से परेशान है। शासन द्वारा नियम बनाया गया है कि आबादी को 24 घंटे, किसानों को 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, जो कि बिजली ना तो आबादी को 24 घंटे मिल पा रही है ना किसानों को 10 घंटे मिल पा रही है। बिजली विभाग जो है इनकी लापरवाही से ही आज हम सालोन भी के निवासी इतने ज़्यादा लाइट से परेशान हो चुके हैं कि हमको ये मांग रखनी पड़ी है कि हमारे सालोन भी में पावर हाउस सब स्टेशन केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे हमारी जो बिजली आपूर्ति है वो हमको लगातार मिलती रहे। हमारी शासन से सिर्फ एक ही मांग है कि सालोन भी चूँकि आबादी क्षेत्र के हिसाब से, कस्बे के हिसाब से, खुद की जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा है कि उसको बिजली के लिए एक PTR मशीन अलग से और विद्युत केंद्र स्थापित किया जाए, हमारी यही शासन से मांग है। और हमारा ये अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल पर आज हमको 4th दिन हो चुका है, प्रशासन के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, उन्होंने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया गया है। हमारी हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक हमको सालोन भी को पावर हाउस की स्वीकृति नहीं मिल जाती। यही उनको हम लोगों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है कि हमारी ऐसी ऐसी मांग है सालोन भी के विद्युत केंद्र के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।